गर्मी ज्यादा लगती हो, अंदर बहुत गर्मी हो, तो वो कुछ भी ना करे, वो सत्तू पी ले। कोल्ड ड्रिंक से हटके भी चीजों को ट्राई करना चाहिए। तुम जो बता रहे थे तुम्हें दो दिन से अंदर बहुत गर्मी है, तो वो सारी गर्मी तो छाछ पी के सेट हो गई। तो भाई ट्राई करते हैं इसको भी, और असल में तो पसंद नहीं आएगा, देसी चीज उसको पसंद नहीं आती। जब और गर्मी बढ़ेगी तब इनका जो है ये सत्तू ज्यादा पिया जाएगा। कौन सी गर्मी बढ़ेगी? दोनों। चने का टेस्ट आ रहा है ना, भुने हुए चने। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। भाई अभी हमने छाछ पी और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और इसके बिल्कुल बराबर में वो जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी लगे। फायदे मेडिसिन समझ के पियो। बिल्कुल बराबर में जो है वो है सत्तू, सत्तू का शरबत, और सत्तू जो है वो बड़ी ही जरूरी चीज है। ये बनते हैं भाई गुड़ से और चनों से, गुड़ के पाउडर से, और मीठा भी होता है, और होपफुली ये थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि वो तो बिल्कुल लग रहा था कि ब्लू बैंड पी रहा हूँ मैं, ब्लू बैंड में पानी मिला के। तो ये तो मैंने पता ना देसी चीज है। तो भाई इसके फायदे क्या है? तो सर मैदे के लिए फायदा है, और जिगर के लिए फायदा है, गुर्दे के लिए क्या फायदा है? ठंडा चीज है, ठंडी चीज, ठंडा। अच्छा भाई, जिसको गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा लगती हो, अंदर बहुत गर्मी हो, तो वो कुछ भी ना करे, वो सत्तू पी ले, तो उसकी सारी गर्मी जो है वो खत्म हो और कुछ भी ना करे। ये तो गलत बात। तुम जो बता रहे थे तुम्हें दो दिन से अंदर बहुत गर्मी है, तो वो सारी गर्मी तो छाछ पी के सेट हो गई। तो भाई ये हमारे जो है हमने आधा आधा ग्लास इसलिए लिए कि ऑलरेडी छाछ पी चुके हैं, तो आप जो है वो पेट में हिम्मत और जगह दोनों ख़त्म हो गई है। भाई ट्राई करते हैं इसको भी, और असल में तो पसंद नहीं आएगा, देसी चीज़ उसको पसंद नहीं आती। चनों का टेस्ट आ रहा है ना, भुने हुए चने, ये वो लग रहा है इडली का हलवा। भाई ये तो फायदेमंद चीज़ है, टेस्ट हर चीज़ नहीं होती, टेस्ट नो डाउट टेस्ट अच्छा है, बेटर है, लेकिन यह है कि ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसमें गुड़, जौ और चने, घोड़ों की खुराक चने होती है, तो चाहे इसको पीस के पानी में पियो या वैसे ही खाओ, दोनों फायदेमंद है। कोल्ड ड्रिंक से हटके भी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। खैर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बंच रोड स्ट्रीट पे, और आज संडे का दिन है, तो हम जो है रैंडमली डिफरेंट जगहों पे घूमते फिर रहे हैं, तो ये हमें नज़र आया छाछ और सत्तू, तो हमने सोचा कि ट्राई करते हैं, तो कभी पीना हो संडे को तो वही बंच रोड पे। ज़्यादा लोग इसको पियेंगे जब अभी तो गर्मियाँ तकरीबन स्टार्ट हो गई हैं, और अब जब और गर्मी बढ़ेगी तब इनका जो है ये सत्तू ज़्यादा पिया जाएगा। कौन सी गर्मी बढ़ेगी? दोनों। मैंने सुना है सर्दियों में एक गर्मी बढ़ती है, गर्मियों में दोनों गर्मियाँ बढ़ती हैं। कौन सी है जो जिसकी तुम बात कर रहे हो? खैर भाई मेरा फिनिश हो गया, हसन जो है वो मज़े ले रहा है अभी तक, मेरा भी फिनिश और हो गया। एट दी एंड बम्बई बम्बई और पेट पब्लिसिटी नहीं की है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सत्तू पिए और महंगाई में 50 रुपये में आपको सत्तू मिल रहा है जो आपकी गर्मी ख़त्म करेगा, तो बजाय आप महंगी महंगी मेडिसिन लें, एसी में सोएं, सत्तू पिए और आप गर्मी में सो जाएं, तो आपको ठंडक का और एसी बेच दें। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल भी नहीं सकते आप लोग, अगर भूल जाए तो भूलिएगा। और जो लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं आज तक, भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर बेशक ना करें ना करें भाई ना करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।